दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। वो देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है। साल 2014 और फिर 2019 के आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद वो प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर, जिसे जानकर पूरा देश हैरान है कि आखिर एक प्रधानमंत्री के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये बात आज ही सुबह करीब 2:11 की है जब पीएम मोदी के साथ ऐसा हुआ जिसे आप सोच भी नहीं सकते या जिसे सुनकर पूरा देश हैरान है और आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में अभी बिटकॉइन या किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी को सरकार ने मान्यता दी ही नहीं है। लेकिन इसी बीच हैकर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को हैक कर बिटकॉइन को लेकर ऐसा ट्वीट किया जिसे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। हालांकि अब पीएमओ ने जानकारी दी है कि उनके ट्विटर हैंडल को फिर से सुरक्षित कर लिया गया है। ये बात रविवार सुबह करीब 2:11 की है। पीएम मोदी ने के ट्विटर हैंडल को हैक कर एक ट्वीट किया गया जिसमें दावा किया गया है कि भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है और सरकार भी 500 BTC यानी बिटकॉइंस खरीद कर लोगों को बांट रही है। हालांकि 2 मिनट बाद ही इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन फिर 2:14 पर दूसरा ट्वीट किया गया जो बिल्कुल पहले ट्वीट की तरह ही सेम था। कुछ देर बाद उस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर इसका स्क्रीनशॉट वायरल हो गया था। लोग इस ट्वीट के स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर शेयर कर हैरानी जता रहे हैं कि कई लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल हैक हो सकता है तो यह सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के हैक होने को लेकर पीएमओ ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से छेड़छाड़ की गई थी जिसे तुरंत सुरक्षित कर लिया गया है और मामले की जानकारी ट्विटर को भी दे दी गई है। अकाउंट से छेड़छाड़ की गई छोटी सी अवधि में साझा किए गए किसी भी ट्वीट को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर अपनी अपनी राय रखने लगे हैं और इसे बिटकॉइन माफिया भी की करतूत बताने लगे। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी के पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर हैंडल को भी हैक कर लिया गया था। उस वक्त कोरोना रिलीफ फंड में दान बिटकॉइन के जरिए देने के लिए कहा गया था। बाद में इस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया गया था। अभी भारत सरकार ने किसी भी तरह के क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लेकर गंभीर चिंताएं भी व्यक्त की है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।